नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ फोनपे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फोनपे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से फोनपे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का और भी हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से फोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, इसको अनलॉक करना है। फोनपे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको इसको डाउनलोड के नीचे आना है और नीचे आना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आना है, जहाँ पर लिखा हो ट्रेवल बुकिंग्स, इसके अंतर्गत आपको चार ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, जहाँ पर लिखा हुआ ट्रेंड्स, आपको सिंपल ट्रेंड्स में ही क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वेट करना है। इसके बाद आपको सारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं। इसके नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पर जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें छपरा से सिवान जाना है। हमें छपरा से सिवान जाना है तो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हूँ छपरा CPR, और हमें सिवान जाना है तो मैंने नीचे सेलेक्ट किया हूँ सिवान। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। आपको जिस स्टेशन जाना है वो ऊपर सेलेक्ट करना है, और आपको जहाँ पे जाना है उस स्टेशन का नाम नीचे सेलेक्ट करना है। इसको यहाँ पे कैलेंडर के लोगों पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, आप जिस डेट में टिकट बुक करना चाहते हैं आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें 25 तारीख का टिकट चाहिए इसी मंथ में, अगस्त में, तो यहाँ पर 25 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको नीचे सर्च ट्रेंड्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सारे कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। दोस्तों, आप जो डेट सेलेक्ट किए होंगे उस डेट में उस रूट के लिए जितना भी ट्रेन होगी उसका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ट्रेन में कितना सीट अवेलेबल है और ट्रेन का टाइम टेबल, किस क्लास का कितना किराया है, सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेन कैंसिल, तो ये ट्रेन कैंसिल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि WL लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वेटिंग है। WL 10 का मतलब है कि 10 को वेटिंग है। और फ्रेंड्स, जहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ है तो इसमें सीट अवेलेबल है, आप इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें इस ट्रेन में टिकट बुक करना है, इसका आप नंबर दे सकते हैं और शॉर्ट में इसका नाम भी लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, इस ट्रेन में हमें स्लीपर में टिकट बुक करना है, तो स्लीपर के लिए SL होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर में 23 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पर 3rd AC और 2nd AC इस तरह से और भी है, और यहाँ पे टाइम टेबल। तो जिससे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें इस ट्रेन में स्लीपर में टिकट बुक करना है तो हम SL पे क्लिक करते हैं। आपको किसी दूसरे क्लास में बुक करना है, जैसे कि 2S में हो गया, 3rd AC में हो गया, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्लीपर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको वेट करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से इसको लॉग इन करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको लॉग इन इंस्टेंटली पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर से ये लॉग इन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है स्लीपर, आप जिसमें टिकट बुक करना चाहते हैं जिस क्लास में, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि और भी डेट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जिस डेट में टिकट बुक करना है उस डेट के सामने बुक के बटन पर क्लिक करना है। तो हमें 25 तारीख का टिकट चाहिए, तो 25 के सामने हम बुक के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना IRCTC का यूजरनेम डालना है। दोस्तों, अभी तक आपने IRCTC में अकाउंट नहीं बनाया है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से IRCTC में आप अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना मैंने IRCTC का यूजरनेम डाल दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको पैसेंजर का यहाँ पे डिटेल फिल करना है। सबसे पहले पैसेंजर का यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके नीचे पैसेंजर का फुल नेम डालना है, इसके नीचे पैसेंजर का एज डालना है। इसके बाद आपको नीचे सेव बटन पे क्लिक करना है, तो पैसेंजर का नाम इसमें ऐड हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके साथ में कोई और भी पर्सन है सफर करने के लिए, उनका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड एडल्ट पे क्लिक करना है, और इसी तरह से उनका भी डिटेल आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद नीचे पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है, इसके नीचे पैसेंजर का email ID डालना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखो फ्री कैंसिलेशन। तो फ्रेंड्स, यदि आप फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे के सामने टिक करना है, नहीं लेना चाहता तो आपको नो पे टिक करना है। फ्रेंड्स, यदि आप फ्री कैंसिलेशन लीजिएगा तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल पे भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो पे टिक करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे आना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों टिक है कि नहीं, टिक नहीं है तो आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह करने पैसेगा। दोस्तों, हमें फिर से पूछ रहे हैं कि आप फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो यहाँ पर हम नो करते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको अपना IRCTC का पासवर्ड याद है।
तो यदि आपको अपना IRCTC का पासवर्ड याद है तो आपको आई रिमेम्बर पासवर्ड पर क्लिक करना है। यदि आपको अपना IRCTC का पासवर्ड याद नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है आई फॉरगेट पासवर्ड, और इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें पासवर्ड याद है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ नीचे वाले ऑप्शन पे आई रिमेम्बर पासवर्ड, तो आपके सामने कन्फर्मेशन स्क्रीन ओपन होगा। दोस्तों पे आपको चेक करना है आप जिस ट्रेन में टिकट बुक करना चाहते हैं ट्रेन का टाइम टेबल और यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल, सभी डिटेल आपको यहाँ पे चेक करना है। सभी डिटेल सही है तो नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट पेज ओपन हो चुका है। पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पे बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। UPI पिन को डाल देने के बाद में आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपको बैक बटन को प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। बस आपको पेमेंट कर देने के बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका IRCTC का यूजरनेम दिखेगा। इसके नीचे आपको अपना IRCTC का पासवर्ड डाला है। इसके नीचे कैप्चा को डाला है जो इमेज में दिख रहा है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये सब सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपका टिकट यहाँ पे बुक हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पैरा नंबर बर्थ सभी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल पर एक मैसेज भी जाता है जिसमें सभी डिटेल होता है। दोस्तों फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको जरूर रख लेना। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप फोनपे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो की डिलीट कोई ऑप्शन या कोई पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।